थॉट डिसऑर्डर, और थॉट डिसऑर्डर्स क्या हुए, हमारे केमिकल रिएक्शन। अब मजेदार तरीके से समझाता हूं, लेट्स सी। आपको ये महसूस हो रहा है कि सामने वाला बंदा आपका दुश्मन है, क्या महसूस हो रहा है? द गाय हु इज स्टैंडिंग अपोजिट यू, वो आपका दुश्मन। लेट्स से यू आर फीलिंग आई एम योर एनिमी नॉट योर डॉक्टर, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। ऐसा क्यों फील हो रहा है? ऐसा इसलिए फील हो रहा है कि आपके ब्रेन में केमिकल रिएक्शन उस तरह का हो रहा है। Why the chemical reaction is like that? Chemical reaction is like that because आपके ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो इस तरह से रिलीज हो रहे हैं और आप उस तरह से बिहेव कर रहे हो। Now that means the thought is mere a chemical reaction, not something else. Now imagine हम कितने इमोशनल हो रहे हैं, हम कितने टची हो रहे हैं। Now मैं अगर इस केमिकल में थोड़ा सा चेंज ला दूं तो आपके ब्रेन में सब विचार बदल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम में से बहुत सारे लोग आते हैं और उनके मन में ऐसे विचार होते हैं कि लोग उनके दुश्मन हैं, कोई उन पे जादू टोना कर रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रही है। मैं दवाइयां देता हूं, वो विचार बदल जाते हैं और उन्हें बाद में महसूस होता है कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा था, ऐसा तो नहीं है। या एक बंदा सुसाइड कर लेता और ऐसी एक सुसाइडल बंदे को कुछ दवाइयां दी जाती हैं और उसके केमिकल चेंज हो जाते हैं और अचानक से उसे लाइफ में महसूस होने लगता है कि मैं इस तरह का क्यों सोच रहा था। एक आदमी बहुत परेशान है, डिप्रेस्ड, दवाइयों से उसके थोड़े से केमिकल को हमने ट्यूट किए, उसका डिप्रेशन कम हो गया, वो खुश हो गया। क्यों? अगर इतनी सब परेशानी है तो तुम्हें डिप्रेस ही रहना चाहिए। या हमने दारू की एक बोतल पी और हम डांस कर रहे हैं, क्यों? हम में से कुछ लोगों ने ड्रग्स ली एंड थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल। हमें घर से लाया गया, हम ये सोच रहे हैं कि ये लोग मेरी बात नहीं समझते, यहां ले आए तो ये सब दुश्मनी है, ये टॉर्चर करेंगे मुझे यहां पे। अचानक से थोड़े दिन हम रहे और हमारे व्यवहार में चेंज आया और हमें ये नई लाइफ ही अच्छी लगने लगी। क्यों? Why? So that shows somewhere ये सब कुछ क्या हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन है जो हमारी बॉडी में ऑन गोइंग तरीके से चल रहा है। ये बात सबको समझ में आ रही है? So हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग एक इलेक्ट्रिक स्विच की तरह है जहां पे एक स्टिमुलस आता है और उससे एक दूसरा स्टिमुलस बनता है और उससे एक तीसरा बनता है और ब्रेन में जाके कुछ केमिकल रिलीज होता है और उस केमिकल रिलीज की मात्रा के हिसाब से हम तय करते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि बॉस इस बात का ये मतलब है, इस बात का मेरे लिए स्पेशल मतलब है, ये कुछ मेरे लिए कही जा रही है, और अचानक से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं और हम उस पर एक्ट करने लगते। क्यों हो रहा है सब? हो रहा है बिकॉज हमारे केमिकल इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। नाउ दैट मींस कैन यू कंट्रोल योर थॉट प्रोसेस?
Yes, if the all the neurotransmitter is working in harmony, अगर ब्रेन में सारे सर्किट जो 1 बिलियन न्यूरॉन हैं, 100 करोड़ तार इस डब्बे के अंदर हैं, और अगर वो हार्मोनियसली वर्क कर रहे हैं तो यस, अगर 100 करोड़ तार में एक छोटा सा भी गड़बड़ हो गया, एक तार में लोचा था और वो ओवर फायर कर रहा था, उसको 5 बार सिग्नल देना था, एक स्टिमुलस थे उसने 7 बार दे दिया, तो अल्टीमेट आउटकम कितना गुना बढ़ गया, 50%। 5 की जगह 7 सिग्नल होते ही आउटकम कितने परसेंट बढ़ गया, 50%। लेट्स से मुझे एक्स स्पीड से बोलना है, मैं एक्स मल्टीप्लाइड बाय 50% बोलने लगा। जैसे मैंने आजकल ऑडियो बुक सुनता हूं, तो मुझे कुछ यंगस्टर आए, उन्होंने कहा कि हम तो 1.5 टाइम 2 टाइम रफ्तार से सुनते हैं, आजकल जो लेक्चर्स होते हैं हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और 2 की रफ्तार से सुनते हैं, आधे टाइम में ही काम हो जाता है। मुझे लगा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, वो लाइव भी सुन रहे हैं, कह रहे ये बकवास है, जैसे मैं बोल रहा हूं दिस इज बकवास, रिकॉर्ड इट, लिसन इट एट द टू। उन्होंने अपने ब्रेन की सारे न्यूरोट्रांसमीटर को ऐसा ट्यून किया कि 2 की रफ्तार में भी वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। नाउ दैट मीन्स दिस होल हार्मोनी इज वेरी क्रूशियल फॉर योर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। अब हम मुश्किल टाइम में आ गए, हमें कुछ एक्स स्टिमुलस होना चाहिए, हमारा X+1 स्टिमुलस हो गया, हमें कुछ सोचना चाहिए, हम कुछ और सोचने लगे। स्टिमुलस तो बहुत सारे आ रहे हैं, यहां पे बैठे बैठे तुमको कहीं कुछ विचार आ रहा है, कहीं कुछ विचार आ रहा है, कभी तुम नेबर के बारे में सोच रहे हो अपने, कभी माँ बाप के बारे में सोच रहे हो, कभी जो नेक्स्ट डोर बैठा है उसके बारे में सोच रहे हो, कभी तुम्हें सुसू आ रही है, कभी तुम्हें दिमाग में लग रहा है पानी पी लो, हजारों विचार ऑन गोइंग बेसिस पे चलते जा रहे हैं। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि ये विचार की प्रायोरिटी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बकवास है, ये कचड़ा है, ये गार्बेज है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये कैसे डिसाइड होगा? ये सब होगा आपकी हार्मोनी से, ओवरऑल लर्निंग से, एक्सपीरियंस। सो विथ योर ब्रेन फंक्शनिंग एंड हार्मोनी योर लर्निंग मेक लॉन्ग टर्म रोल्स, एंड उस बेसिस पे तय हो रहा है कि आपका ब्रेन नॉर्मली फंक्शन कर रहा है या नहीं। ये स्टोरी समझ में आ गई सबको? एनीथिंग कि एबनॉर्मलिटी कहां हो रही है, वेयर द थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग। सो हमने बात की, एक स्टिमुलस आया, स्टिमुलस से एक रिस्पॉन्स हुआ, रिस्पॉन्स से हमने एक्शन किया, और एक्शन से एक आउटकम आया। दैट्स हाउ इट वर्क, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, एक्शन, आउटकम। लेट्स से ये जो स्टिमुलस है ये 10 पावर का है और इससे 10 का रिस्पॉन्स आना चाहिए। स्टिमुलस 10 पावर का है और इससे 10 का रिस्पॉन्स आना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली 10 पावर के स्टिमुलस से 15 का रिस्पॉन्स आ रहा है या 7 का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो क्या होगा, व्हाट वुड बी द आउटकम?
अगर स्टिमुलस जो 10 पावर का था उससे 10 का रिस्पॉन्स आ रहा है, ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। मगर स्टिमुलस तो 10 पावर का था और उससे 15 का रिस्पॉन्स आ रहा है या 7 का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आपका एक्शन या तो प्लस प्लस हो जाएगा या माइनस माइनस हो जाएगा। जो नॉर्मल एक्शन है वो गड़बड़ा गया। अब आउटकम इधर ओवरली आउटकम आ गया और इधर अंडर आउटकम आ गया। नाउ इमेजिन आपने अपनी गाड़ी को 60 की रफ्तार पे चलाना है और आपने उसके लिए अपनी रेस सेट की हुई है कि मैं इतना दबाऊंगा तो 60 पे चलेगा। उतना दबाने से आपकी गाड़ी 120 पे दौड़ रही है या उतना दबाने से 30 पे ही चल रही है, विल इट वर्क? एक अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी। अब इमेजिन ये सिचुएशन को हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं और हम ऐसा फील कर रहे हैं कि ये तो नॉर्मल सिचुएशन। जो आपके थॉट प्रोसेस और ब्रेन में ओवर एक्टिविटी या अंडर एक्टिविटी हो रही है उसको हम मानने को तैयार नहीं है कि हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है और हम बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये मेरा एक्शन एब्सोल्युटली नॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल, हम में से कुछ लोगों को ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम है, वो बड़े सिंसियरली उनको स्टिमुलस आता है कि हम एक्स अमाउंट 2 ड्रिंक पिए, या तो वो 5 पी लेते हैं या 1 पे ही अटक जाते हैं। अब उनका ब्रेन कह रहा है ठीक है यार, कभी कभी सब जने ऐसे करते रहते हैं, इसमें क्या गड़बड़ी है? मगर 5 पीने के बाद में वो इतने ओवर स्टिमुलेटेड हो जाते हैं कि उन्हें अपनी एनर्जी कंट्रोल ही नहीं होती है, वो लिटरली अपने घरों में दौड़ भाग कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं, बोले जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, या वो इतने अंडर हो गए कि उनका दिमाग ही नहीं चल रहा, ठप हो गए। इज इट ए नॉर्मल सर्कमस्टेंस? नाउ इमेजिन दिस इज हैपनिंग विद द थॉट, विचारों में हो रहा है। आपको 10 का स्टिमुलस था, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको मेरी बात समझने के लिए 10 विचार आने चाहिए थे, 15 आ रहे हैं, दिमाग चले जा रहा है, 10 नॉर्मल 5 एबनॉर्मल मिक्स हो गया, क्या यहां बैठ के मैं चाहता हूं आप सब जने मेरी बात सुनो, आपको दुनिया भर की बातें याद आ रही हैं और मेरी बात पे फोकस ही नहीं हो रहा है, या आपका ब्रेन इतना स्लो हो गया कि मेरी बात परसीव करने में मेरी रफ्तार आपको बहुत ज्यादा लग रही है और आपको लग रहा है यार ये तो सब टाइम टाइम पे से कुछ नहीं है, ये क्या बोल रहे हैं, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। स्पीड, स्पीड क्या हो गई, या तो ओवर फास्ट या स्लो। नाउ लेट्स से ये जो 5 एक्स्ट्रा थॉट थे या 3 माइनस वाले थॉट थे, इसमें थोड़े इनरेलेवेंट थॉट भी थे, मतलब मिलते जुलते नहीं थे, जड़ा जड़ा के नहीं मिलते जुलते थे, बट ओवर ही चल रहा है ना दिमाग। तो जैसे ये नीली शर्ट पहनी हुई है, ये साले स्टाइल मार रहे हैं मेरे को नीली पहन के, ये पीली क्यों नहीं पहन के आए? यार ये अपनी बड़प्पन दिखाना चाहता है, अब मेरे पे बॉसियत करना चाहता है, देख लूंगा इनको बदला लूंगा, देख लूंगा बॉस, प्लानिंग करूंगा
यहाँ पे गैंग बनाऊंगा, इन पे अटैक करूंगा। हो चुका है मेरे साथ। आप बिलीव नहीं करोगे, एक बार एक आदमी 10 जनों को लेके आ गया, एक को किडनैप करके ले गया यहां से। तो हो चुका है, मतलब इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। आप इतने सारे किडनैप करते हैं भैया, बट मेरे को तो कंसेंट दिया घर वालों ने। एनीवे, सो विचारों में क्या हो रहा है, कुछ विचार सही आ रहे हैं, कुछ गलत आ रहे हैं, और हम उनको बिलीव कर रहे हैं कि ये सब तो नॉर्मल है। हमारे गलत गलत विचार भी हमें सही लग रहे हैं। मतलब क्या हो गया, आपका थॉट प्रोसेस गड़बड़ा गया और हो गया थॉट डिसऑर्डर। एंड अनफॉर्चुनेट बात यह है कि थॉट डिसऑर्डर होने के बाद आपको ये इनसाइट ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि ऐसा हो रहा है। आपको तो क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, अरे यार ये नहीं समझ रहे हैं, मेरे मेरी फीलिंग्स को ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, इनको समझ ही नहीं है यार, ये क्यों नहीं मेरी बात मान रहे हैं, मैं ही सही हूं क्या, हु इज राइट, आई एम राइट बॉस, हु इज रॉन्ग, एवरीवन एल्स इज रॉन्ग। कैसे विचार आने लग रहे हैं, ये सब जो कर रहे हैं ना, घोल झोल मोल कर रहे हैं, मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं रहे हैं, मुझे गलत डायरेक्शन में पुश करना चाहते हैं, मेरा एडवांटेज लेना चाहते हैं, और पूरे विचारों में क्योस हो गया। अब मेरे को ये विचारों की समझ के लिए ट्रेनिंग दी गई जो मैं 30 साल से काम कर, कि ये थॉट प्रोसेस जो आपका चल रहा है ये ओके है या डिफेक्टिव है, और आपको नो इनसाइट है, आपको अधिकतर टाइम पता ही नहीं चल रहा है, आपको तो लग रहा है जो आप सोच रहे हो वो सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मैं आपको बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दे रहा हूं, दो जो मैंने रियल लाइफ में देखे। कलर ब्लाइंड समझते हो आप लोग, रेड कलर का कलर ब्लाइंड है, उसको एक बंदे ने रेड रोज गिफ्ट किया, क्या रोज गिफ्ट किया, रेड रोज, वो क्या कहेगा ये किस कलर का रोज है, बता ही नहीं पाएगा सर, सोचो सोचो सोचो, वो कहेगा रेड रोज है, क्या कहेगा, रेड रोज है, क्यों, अब इसका आंसर दो, व्हाई यू विल से इट्स ए रेड रोज, कंडीशनिंग ऑफ विद व्हाट, समझ नहीं आता, नहीं जो भी वो देख के जो भी कलर था उसके हिसाब से वो रेड था। लेट से मुझे अगर ये बताया गया कि ये ब्लू येलो शर्ट है तो मुझे कैसे पता चला, मुझे क्योंकि बताया गया, ट्रेनिंग दी गई ब्रेन को। अगर मेरे ब्रेन को ये ट्रेनिंग दी जाए कि ये लाल और हरा है तो मैं क्या बोलूंगा, तो उसको क्या ट्रेनिंग दी गई, उसको जो भी दिख रहा था उसको ट्रेनिंग क्या दी गई, भाई ये रेड कलर है। और इसीलिए कलर ब्लाइंड के लिए देयर आर स्पेसिफिक कार्ड्स, वो दिखाए जाते हैं तो पता चलता है बंदा कलर ब्लाइंड है,
ऐसे नहीं पता चलता। अच्छा आप एक और महिला, मेरा ड्राइवर था, मेरे पास बेचारा डिप्रेशन का इलाज करने के लिए आया, अनएम्प्लॉयड था। मैंने कहा यार तुझे ड्राइविंग आती है, तू ऐसा कर मेरी गाड़ी चला ले। सुभाष नाम था बेचारे की, अभी कोविड में डेथ हो गई। तो मैं उससे प्यार से कोई बात बोलता था कि भाई वहां चलना है, तो अगर वो मेरे चेहरे की तरफ देख रहा होता था तो उसे समझ में आती थी। और लेट से वो आगे बैठा है, ड्राइव कर रहा है, और मैं पीछे बैठ के कह रहा हूं सुभाष लेफ्ट मुड़ जाओ, तो उसे समझ नहीं आती थी। तो मैं जोर की बोलता था भाई लेफ्ट मुड़ जाओ, तो कहता था चिल्ला क्यों रहे हो आप मेरे ऊपर। मैंने कहा यार तू अपनी हियरिंग एड लगा, तू कुछ अपना कान चेकअप करा, दिक्कत क्या है। कहता है साहब मुझे तो सब अच्छा खासा सुनता है, आप ही ऐसा सोचते हो मुझे प्रॉब्लम है। अब यहां पे क्या गड़बड़ है, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस होल सिचुएशन। हर चीज का आंसर एक ही नहीं होता है, दिमाग लगा लो, भगवान ने दिया है कुछ यूज करो। या मैं कह रहा हूं यार ये चश्मा उतार के मुझे सब बढ़िया दिख रहा है। अभी ये इंसिडेंट हुआ था, मैं किसी को समझाने की कोशिश कर रहा था भाई तुझे चश्मे की जरूरत है, वो कह रहे थे नहीं नहीं मुझे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, देखो मैं टीवी देख पा रहा हूं। नो 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 नो, दूसरा हर चीज का आंसर नहीं दे, सोच थिंक, सब जने सोचो, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। इन ए वे ही इज राइट। देखो उसको जो परसीव हो रहा है ना, उसे लग रहा है ऐसे ही होता होगा। जब वो कब नहीं सुनता था तो उसे नहीं पता नहीं बोल रहे, बोल रहे उसके हिसाब से कोई नहीं बोला, जोर की बोलो तो उसे ज्यादा सुनता था, तो वो कहता था भाई जोर की क्यों बोल रहे हो आप, मैं बोल रहा हूं और लोगों के हिसाब से एडजस्ट करके। और सो जैसे चश्मा उतार के आप सब लोग दिख तो रहे हो, ये तो मुझे डिफरेंशिएशन तभी पता चला कि मैंने चश्मा लगाया और नहीं लगाया कि तब क्या डिफरेंस है। Now imagine, आपके ब्रेन में इसी तरह से विचार आ रहे हैं जो डिफेक्टिव है, और आप कह रहे हो ये तो नॉर्मल है भाई। अनआइडेंटिफाइंग एबनॉर्मल सिचुएशन एंड थिंकिंग, एक मिनट, तो आप क्या बोलोगे, ये सामने वाला मेरी बात समझ नहीं पा रहा, दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहां पे है, उसके सोच और समझ में दिक्कत है, मैं तो एकदम ठीक सोच रहा हूं। सो सारा थॉट डिसऑर्डर इस बेसिस पे बेस्ड है, एंड इट बिकम समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट वेदर इट्स ए थॉट डिसऑर्डर और वेदर इट्स ए नॉर्मल थॉट। कई बार हम लोगों को भी बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है कि जो बात कर रहा है ये सही है या गड़बड़ है। और जब ये थॉट डिसऑर्डर हो जाता है तब हमें कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपकी लाइफ में ज्यादा ही क्राइसिस हो जाती है, और आप लोगों को यहां भेज देते हैं कि बॉस इनका तो थॉट डिसऑर्डर कुछ जरूरत से ज्यादा ही हो गया है, इनको तो पक्का मदद की जरूरत। और उस मदद के लिए जब आप यहां पे आते हो तो हम उन थॉट डिसऑर्डर्स के बेसिस पे आप लोगों का डायग्नोसिस बनाते हैं कि बॉस ये तो इसको ये विचारों में गड़बड़ी है। अब फिर लेट्स गो टू द स्क्वायर डिस्कशन, स्टिमुलस न्यूरोट्रांसमीटर एंड रिएक्शन,
एक्शन आउटकम। स्टिमुलस में गड़बड़ी है, हमारा ब्रेन ज्यादा परसीव कर रहा है, रिएक्शन में गड़बड़ी है, एक्शन में गड़बड़ी है और आउटकम में गड़बड़ी है। कहीं भी चारों जगह में से अगर एक भी जगह गड़बड़ी हो गई तो आपका थॉट प्रोसेस हिल गया, और अगर आपका थॉट प्रोसेस हिल गया तो आपका बिहेवियर चेंज, आपका बिहेवियर चेंज, सो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट फीलिंग डिफरेंट, योर परसेप्शन इज डिफरेंट, योर परसेप्शन का स्टिमुलस इज डिफरेंट, आउटकम इज डिफरेंट, सो एवरीथिंग इज डिफरेंट। आप रॉन्ग नहीं हो, प्लीज अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर नॉट गिल्टी। आप तो वही बात कर रहे हो जो आपको स्टिमुलस आ रहा है और आप रिएक्ट कर रहे हो। आई कैन नॉट ब्लेम यू कि ये इसलिए हो रहा है कि आप जानबूझ के कर रहे हो। आप किस लिए कर रहे हो? बिकॉज आपके ब्रेन में ये थॉट प्रोसेस का जो पूरा ट्रैक था उसमें कहीं ना कहीं न्यूरोट्रांसमीटर में लोचा हो गया, गड़बड़ी हो गई। आइदर इट्स ओवरली वर्किंग और अंडरली वर्किंग। आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कैन यू करेक्ट दिस? हाउ कैन यू करेक्ट इट विथ सच ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर? तुम अपने न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज क्या कंट्रोल कर सकते हो? कुछ नहीं हो सकता, बहुत। इट रिक्वायर ए प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इट्स ए सच ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कि हम भी घूमते रहते हैं, यार ये दवाई दें इससे शायद थोड़ा चेंज हो जाएगा। नहीं यार, इसको तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा था, ये तो टक गया, इसका ब्रेन तो गया, इसका रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। Why there are poor responders? Why few of us does not respond? Because हमारे पास उस न्यूरो ट्रांसमीटर की key नहीं है। अब इस सिचुएशन में हाउ कैन यू ब्लेम योर सेल्फ और हाउ कैन यू टेल मी कि हम अपने आप को खुद ठीक कर लेंगे? Now, see, that's where is the most difficult thing. Your brain is such a complex structure. It's all combined. Your stimulus, reaction, activity and outcome are associated with each other. Little issue anywhere at any level will change your whole thought process, actions and outcome. And this is beyond your control. Now, how can you define or how can you say that I will fix this? As a doctor, it is so difficult for me to fix this. और आज से कुछ 100 साल पहले, 50 साल पहले तो ऐसे लोगों को उठा के अंडमान भेज देते थे या मेंटल हॉस्पिटल में भेज देते थे। आज स्टिल वी हैव सम solutions एंड वी कैन resolve पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सो वी आर लकी। इन लास्ट 30 years आई हैव सीन ए ग्रेट प्रोग्रेस इन द वे ऑफ ट्रीटमेंट। पहले क्या करते थे, एंड मैं उसी तरह का आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि फिलीपींस में द प्राइम मिनिस्टर सेड बहुत सारे ड्रग एडिक्ट को मार दो। Why he said so? Because उसको समझ ही नहीं थी, या लीगली वो कहते हैं कि ये तो जानबूझ के नाटक कर रहे हैं। They are responsible for their actions. Why we feel कि बॉस जिसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, न्यूरो ट्रांसमीटर में कुछ हो रहा है,
how they can act on this or say this is right, this is wrong. And these are what mental illnesses are. Mental illnesses kya hai? Hamara stimulus ka perception garbad, hamara usse reaction garbad, ya hamara action garbad, ya outcome garbad. अगर कहीं पे भी ये लोचा हो गया तो ओवरऑल थॉट प्रोसेस गड़बड़ा गया, और अगर थॉट प्रोसेस चेंज हो गया तो हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं और हमें ये समझ ही नहीं है हमारा थॉट प्रोसेस गड़बड़ हो गया है। उस डिफिकल्ट टू हियरिंग वाली सिचुएशन में या उस कलर ब्लाइंड की तरह हम अपने थॉट प्रोसेस को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि दिस इज रॉन्ग थॉट और दिस इज ए राइट थॉट। इट्स नॉट दैट आई एम ए बैडली इंटेंडेड ह्यूमन बीइंग, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूं, क्रिमिनल नहीं हूं, मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल सही एक्ट करना चाहता हूं, मगर मेरे ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर का सर्किट में कहीं ना कहीं इशू है। Now, if that is the issue, how can you fix it? It's beyond your control. Now, let's say आप सब लोग back to worst situation में थे जब आपको यहां लाया गया। So, उसमें 10-20% का जिन लोगों को up and down होता है वो फिर भी निप जाते हैं, OPD में treatment हो जाता है। जिनका ये अप एंड डाउन 100% चल रहा है, 200% चल रहा है, लेट्स से बिल्कुल ही उल्टे पुल्टे विचार आने लगे, आदमी यहां तक निकल गया कि दूसरे को मार दे, क्या वो घर पे ठीक हो पाएगा? एक उसी तरह का एक लॉ में रूल है, उसको कहते हैं मैकनॉर्डन्स रूल। नाउ That rule is that British Prime Minister ka first secretary aur uska first secretary, usko ye feeling hone lagi ki Prime Minister mujhe maarna chahta hai, aur usko ye feeling nahi thi, ye vichar uske aise ho gaye ki wo har action ko aise hi sochta tha ki Prime Minister to mujhe murder karne wala hai, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने प्राइम मिनिस्टर पे अटैक कर दिया। एंड इन दिस अटैक प्राइम मिनिस्टर तो बच गया, उसका फर्स्ट सेक्रेटरी उड़ गया, बट जब उसको लीगल प्रोसेस से निकाला गया तो उन्होंने इसका रूल बना दिया विच इज नोन एज मैकनॉटन रूल, एंड ही वॉज नॉट फाउंड गिल्टी। क्यों कर रहा था वो? बिकॉज उसका थॉट प्रोसेस उसके कंट्रोल में ही नहीं था। प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। इट्स हाई टाइम आप लोग अगर आज मेरी डिस्कशन को किसी भी तरह समझ रहे हो, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। प्लीज स्टॉप गिविंग सजेशंस दैट यू आर फाइन, यू डोंट नीड ट्रीटमेंट एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स।